नमस्कार, पुस्तक चर्चा के आज के इस कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं आरटीआई से पत्रकारिता, खबर, पड़ताल और असर। ये पुस्तक है वरिष्ठ पत्रकार श्यामलाल यादव की। श्यामलाल यादव जी के बारे में कुछ बताता हूँ। श्यामलाल यादव जी माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के सेकंड बैच के विद्यार्थी रहे हैं और उन्होंने अपने विश्वविद्यालय का नाम सदैव बढ़ाया है और अभी वो इंडियन एक्सप्रेस में सीनियर एडिटर हैं। इससे पहले अमर उजाला, जनसत्ता में भी उन्होंने लंबे समय तक काम किया। वो सबसे चर्चित जो खुलासा है पैराडाइज पेपर, उसकी टीम का भी हिस्सा रहे हैं। श्यामलाल यादव ने 2017 के सात के बाद इतनी आरटीआई लगा करके खबरें निकाली हैं कि उनका देश के भीतर ही नहीं, देश की सीमाओं के बाहर भी वो आरटीआई पत्रकार के रूप में ख्याति प्राप्त कर चुके हैं। उनकी पहचान आरटीआई पत्रकार के तौर पर हो चुकी है। तो उन्हीं सब उनके अनुभवों से जो निचोड़ निकल करके सामने आया, वो इस किताब के रूप में हमारे सामने आया। उन्होंने इस किताब को सबसे पहले अंग्रेज़ी में लिखा, इन्फॉर्मेशन इन्वेस्टिगेशन एंड इम्पैक्ट, उसी का हिंदी अनुवाद हो करके अब यह पाठकों के सामने है। खास करके ये जो पुस्तक है वो पत्रकारिता के विद्यार्थी, नवागत पत्रकार, उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है और उन लोगों के लिए भी जो आरटीआई के माध्यम से पत्रकारिता करना चाहते हैं और अपनी पत्रकारिता को एक धार देना चाहते हैं। हम जानते हैं कि भारत में आरटीआई 2005, लंबे संघर्ष के बाद 2005 में आती है, लेकिन उसके बाद भी आरटीआई का उतना उपयोग, ठीक ढंग से उपयोग नहीं हो पा रहा। इस पुस्तक के संदर्भ में सीनियर जर्नलिस्ट पी साईनाथ की एक बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी है। वो कहते हैं कि यह पुस्तक उनकी अपनी जबरदस्त स्टोरीज़ के कुल निचोड़ से कहीं अधिक आरटीआई के संक्षिप्त इतिहास, एक लोकतांत्रिक समाज में इसकी भूमिका और खोजी पत्रकारों के लिए एक सशक्त उपकरण के रूप में आरटीआई का महत्व को बताती है। ये टिप्पणी अपने आप में बताती है कि ये पुस्तक कितनी महत्वपूर्ण है। पहले ही अध्याय में लेखक ने आरटीआई की उपयोगिता के बारे में पर्याप्त ध्यान पाठकों का खींचा है। इसमें जो स्टोरी शामिल हैं वो बहुत नीरस उबाऊ नहीं है। लेखक ने उनको इतने रुचिकर ढंग से लिखा है, इतने सहल और सहज अंदाज में लिखा है, किस्सा गोई के अंदाज में, और उसका असर ये होता है कि आप जब ये स्टोरी पढ़ते हैं तो आप उन स्टोरीज़ में डूब जाते हैं और आपको बड़ा आनंद आता है और आप देखते हैं कि कैसे एक सूचना, एक खबर, एक क्लू के माध्यम से और एक हथियार, आरटीआई रूपी एक हथियार के माध्यम से कैसे बड़े खुलासे होते हैं। उन्होंने मंत्रियों की विदेश यात्राओं, नौकरशाहों के विदेशी दौरों, आईएएस, आईपीएस, आईएएस के भ्रष्टाचार के मामले, ये और सरकार द्वारा पोषित गैर शासकीय संस्थाओं की जो अनियमितताएं हैं, उन सब का खुलासा आरटीआई के माध्यम से किया है। नदियों के प्रदूषण स्तर को जांचने के लिए उन्होंने एक आरटीआई लगाई थी और उसके माध्यम से उन्होंने जो खबर प्राप्त की वो खबर इतनी चर्चित हुई कि उस खबर के लिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से भी सम्मानित किया गया। अनेक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार उनको प्राप्त हुए। उन्हें एशियन डेवलपमेंट बैंक इंस्टीट्यूट से डेवलपिंग एशिया जर्नलिज्म का अवार्ड मिला। तो कुल मिलाकर खोजी पत्रकारिता करने की जो इच्छा रखते हैं या आरटीआई कानून का जो सबसे अच्छा उपयोग करना चाहते हैं अपनी पत्रकारिता के लिए, एक आरटीआई को एक टूल की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं, उनको ये पुस्तक ज़रूर पढ़नी चाहिए। ये बड़ी अच्छी पुस्तक है और इसको प्रकाशित भी बड़े अच्छे प्रसिद्ध प्रकाशक ने किया। शेष से ये प्रकाशित है हिंदी में। पेपरबैक पुस्तक का मूल्य 440 है, लेकिन अब जब आपके हाथ में ये किताब आएगी तो आपको लगेगा नहीं कि आपने 440 रुपये ज़्यादा दिए हैं। आपको लगेगा कि ये वर्दी बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है और आप
को इससे बड़ा लाभ आपके पत्रकारिता में। आप पत्रकारिता भी नहीं भी करना चाहते और सूचनाएं प्राप्त करना चाहते हैं तो इसमें उन सब बातों का भी उल्लेख है कि कैसे एक अच्छे आरटीआई एक्ट्रेस बन सकते हैं, आरटीआई कानून का कैसे अच्छे से सूचना प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। तो आज की पुस्तक चर्चा में इतना ही, तो फिर एक नई किताब के साथ अगले अंक में हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।